हेलो स्टूडेंट्स, थोड़े हम शॉर्ट नोट्स कर लेते हैं। लॉक बॉक्स, लॉक बॉक्स सिस्टम है ये बैंक कंपनीज़ को सर्विस प्रोवाइड करता है ताकि जो कस्टमर है, कस्टमर की पेमेंट है, उनके पास जल्दी आ सके। इसमें क्या होता है कि जो कंपनीज़ होगी या कोई भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, वो पोस्ट ऑफिस के अंदर अपना एक बॉक्स बना लेता है। बॉक्स का कोई भी नंबर, वो 51, 52 कुछ भी लग सकता है, तो वो नंबर उसका उस कंपनी का रहेगा। तो जो उसके कस्टमर रहेंगे वो क्या करेंगे, वो चेक जो भी उन्होंने उनको सर्विस प्रोवाइड हुई है उसके बदले में वो जो चेक उनको पेमेंट करना है वो चेक उस बॉक्स के अंदर, पोस्ट ऑफिस के अंदर डिपॉजिट कर देंगे। फिर कंपनी उस एरिया, जिस एरिया के अंदर ये चेक डिपॉजिट किए हैं, उस एरिया के अंदर बैंक को वो ऑथराइज़ कर देगा, किसी एक बैंक को जिसके अंदर उसका अकाउंट है। तो वो बैंक क्या करेगी, पोस्ट ऑफिस या दिन में एक बार या दिन में दो या तीन बार जाके वो चेक कलेक्ट कर लेगी, और चेक कलेक्ट करके ये उस कंपनी के अकाउंट के अंदर डिपॉजिट कर देगी, ट्रांसफ़र कर देगी वो अमाउंट। लॉक बॉक्स सिस्टम ज़्यादातर बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ करती हैं, या ऐसी कंपनीज़ जिसका कारोबार काफ़ी जगह फैला हुआ है, हर डिस्ट्रिक्ट में है या हर स्टेट में है, इंडिया के अलग अलग जगह है। मान लो उसकी मेन ब्रांच है दिल्ली में और उसके कस्टमर है वो इंडिया में हर जगह उसके कस्टमर है, तो वो क्या करेंगे, अपने एक बॉक्स सिस्टम स्टार्ट करेंगे पोस्ट ऑफिस में। वहाँ पे कस्टमर चेक जमा करवा देगा और बैंक वहाँ से चेक लेके कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है। ये लॉक बॉक्स सिस्टम होता है। ए लॉक बॉक्स सिस्टम इज ए सर्विस वेयर बाय चेक्स आर मेल टू ए लोकल पीओ बॉक्स एड्रेस, द चेक्स आर पिक्ड अप डेली बाय सर्विसिंग फर्म, यानी बैंकिंग कोई कंपनी होगी, बैंक हो गया, और चेक आर डिपॉजिटेड इनटू लोकल ब्रांच बैंक, जो उनका लोकल बैंक होगा उसके अंदर चेक ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, और फिर वहाँ से बैलेंस ऑटोमेटिकली उनके मेन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये लॉक बॉक्स सिस्टम है। एक हमारा कंसंट्रेशन बैंकिंग, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान के चलो कोई बिजली बोर्ड है, राजस्थान बिजली बोर्ड है, कोई भी उसका हेड ऑफिस मान के चलो जयपुर में अपना, तो उसका मेन अकाउंट जयपुर में हुआ, ठीक है, मेन अकाउंट जयपुर में हुआ, और उसकी सर्विसेज तो हर जगह है ना, राजस्थान में हर जगह बिजली बोर्ड की सर्विसेज है, तो कस्टमर उसके हर डिस्ट्रिक्ट में, हर विलेज में है, तो उसे वहाँ पे अपने सेंटर खोलने पड़ते हैं। उन सेंटर पे लोग बिजली का बिल पे करेंगे, वहाँ पे बिजली का बिल पे करेंगे, तो बिल जैसे ही पे करेंगे तो जो वहाँ पे उनका रिप्रेजेंटेटिव है वो क्या करेगा, उसको बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा देगा। बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवाएगा तो वहाँ से बैंक उसको उसके मेन बैंक के अंदर पैसे ट्रांसफ़र कर देगा। जो मेन बैंक है वो कहाँ होगा, जयपुर में होगा, और ये ट्रांसफ़र ऑटोमेटिकली हो जाएंगे जैसे ही पैसे उसके अंदर लोकल बैंक में, पैसे जैसे जमा होंगे वैसे वो वहाँ से ट्रांसफ़र होके मेन बैंक में चले जाएंगे। जो मेन बैंक है उसका प्राइमरी बैंक अकाउंट है जहाँ पे, वो होगा कंसंट्रेशन बैंक, जहाँ पे उसके सारे के सारे पैसे जमा होते हुए, तो ये कंसंट्रेशन बैंकिंग है। कंसंट्रेशन बैंकिंग इज द अरेंजमेंट यूज्ड बाय द फर्म वेयर इन द फंड्स फ्रॉम ऑल द रीजनल बैंक्स इन द डिफरेंट लोकेशन गेट्स कंसंट्रेटेड और कलेक्टेड इनटू द सिंगल बैंक अकाउंट। जैसे कि अभी बताया मैंने कि बिजली बोर्ड के बिल जैसे ही हम पे करते हैं तो वो पैसे अपने लोकल बैंक में जमा करवा देंगे, लोकल बैंक में जैसे जमा करवाए तो वो बैंक पैसे मेन बैंक अकाउंट में वो ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये हमारा कंसंट्रेशन बैंकिंग है। फिर एक पॉइंट है हमारा 2/10 नेट 30, ये डिस्काउंट है, ये कस्टमरों को हम डिस्काउंट देते हैं इस रेट पे। तो इसका मीनिंग क्या हुआ,
टू अपॉन टेन नेट 30, यानी टू अपॉन टेन शुद्ध 30। इसको हम कैसे करेंगे, इसमें जो 2 है वो एक परसेंटेज है, यानी डिस्काउंट रेट है 2%। 10 है यानी कि अगर 10 दिन के अंदर उन्होंने पेमेंट कर दिया तो 2% उनको डिस्काउंट है, 10 दिन वो है। नेट 30 मतलब मैं 30 दिन क्या है, एक्चुअल टाइम पीरियड है, 30 दिन एक्चुअल टाइम पीरियड है। अब इसको हम पूरा उसका मीनिंग पूरा लिखेंगे कि अगर कस्टमर पेमेंट 10 दिन के अंदर कर देगा तो उसे 2% का डिस्काउंट मिलेगा, अगर वो 10 दिन के अंदर नहीं करेगा तो उसे कोई डिस्काउंट नहीं है और उसे वो पेमेंट 30 दिन के अंदर करना ही करना है, जो कि उसकी एक्चुअल टर्म्स है पेमेंट करने की, 30 दिनों के अंदर उसे पेमेंट करना है।